तो दोस्तों देख लेते हैं एक नज़र में ही, है ना। जैसे एक नज़र में प्यार होता है, ऐसे ही एक नज़र में चैप्टर रिवाइज भी हो सकता है। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, शुरुआत करते हैं इसी शानदार जानदार कोट के साथ कि भैया लोग कुछ दिनों के बाद, है ना, तुम्हारी खैरियत नहीं क्या पूछेंगे सर, हैसियत पूछेंगे, दुनिया का उसूल है। मेरे साथ भी यही हुआ, सबके साथ भी हो रहा है, भैया क्या करें। शुरू शुरू में दोस्त क्या पूछते थे, और भाई क्या हाल चाल है। कुछ ही साल बाद पलटी मार दी, पता क्या पूछने लगे, और भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, से मतलब उन्होंने क्या पूछ ली सर, हैसियत, क्या कर रहा है ना, कितनी इनकम है ना, कहाँ जॉब कर रहा है, क्या काम कर रहा है। और कुछ दिन पहले वो क्या पूछते थे, क्या हाल चाल है भाई, कैसा है, क्या हाल चाल है, अरे यार ये, है ना, राइट, एकदम से पलटी मार ली। तो भैया दुनिया पलटी मार लेगी तुम्हारे साथ भी अगले कुछ ही सालों में, और तुम पता मिल जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन में बनना जरूर है ना, क्यों, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं क्या पूछते सर, खैरियत कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी इनकम से ही तुम्हारी खैरियत का पता लगेगा, है ना, तुम्हारी हैसियत से ही तुम्हारी खैरियत का पता लगेगा। तुम्हारी इनकम हैसियत बढ़िया है तो लोग समझ जाएंगे, फिर ये बंदा, इसकी खैरियत भी बढ़िया होगी, ठीक है ना। तो राइट, तो इसलिए कहते हैं भैया देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग समय के साथ तुम्हारी हैसियत पूछेंगे, तुम्हारी खैरियत कोई नहीं पूछेगा। घर में ही ऐसा हो जाएगा भैया, घर में रिश्तेदारी क्या पूछेंगे, तुम्हारा कजन भाई बहन ब्रदर बुआ चाचा सब क्या पूछेंगे, क्या कर रही है मुन्नी आजकल, तो शादी थोड़ी कर रही हूँ ये थोड़ी बोलेगी, है ना, किसी एमएनसी में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो बोल होगा तो मजा आएगा सर। तो भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी चैप्टर के लिए कहता है कि आपको अपने फाइनेंस को, देखो दो शब्दों से बना है, क्या करना है सर, आपको अपने फाइनेंस को क्या करना है सर, है ना, मैनेज करना है, अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, ठीक है, क्या करना है भैया, अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, बिल्कुल इनकी तरह पुलिस वाले को दे दिए 100 रुपए, 3,000 खाना फ्री में खा लिया, ऐसे ही आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना है। यानी फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब है कि मुझे बस दो बातों का जवाब चाहिए, सिर्फ दो बातों का, भैया ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस है ना, राइट, ये मेरा बिजनेस है, बड़ी सी फैक्ट्री है, ऊपर धुआं निकल रहा है, टाटा स्काई भी लग रहा है ना, राइट। तो मुझे बस दो बातें का जवाब चाहिए कि पैसा कहां से लूं, इधर सुन लो ध्यान से जल्दी जल्दी, पैसा कहां से लूं, पहला सवाल तो मुझे है कि मुझे बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो पैसा कहां से लूं। दूसरा, जो पैसा मिल गया है ना, उस पैसे को तहजीब से तरीके से कहां इन्वेस्ट करूं, तो पैसा कहां से लूं और पैसा कहां इन्वेस्ट करूं, इन्हीं समस्याओं का समाधान कौन देता है सर आपको, इन्हीं समस्याओं का समाधान कौन देता है आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपकी जिंदगी में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जिंदगी में फाइनेंस को अगर मैनेज करना है तो आपको दो चीजों का समाधान ढूंढना पड़ेगा, पैसा कहां से लूं और पैसा कहां को दूं। जैसे श्रीदेवी गाना गाती ना, ना जाने कहां से आइए, ना जाने कहां को जाएगी, तो भाई यही पूछना है हमें भी, है ना, ना जाने कहां से पैसा आएगा और ना जाने कहां को जाएगा। इन चीजों को मैनेज करना, उसे बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। यानी कि जीवन में जब पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है, और बिजनेस में पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस बिना पैसे के नहीं चल सकता, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ फंड सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अवेलेबिलिटी के साथ साथ अवेलेबिलिटी को बोला जाता है प्रोक्यूरमेंट, कि पैसा कहां से लूं और यूसेज, पैसा कहां इन्वेस्ट करूं, तो प्रोक्यूरमेंट मतलब फ्रॉम वेयर शुड आई चूज। तो मैं दो तरीके से पैसा लेने की कोशिश करता हूं एज अ कंपनी, एक बोलो जल्दी कौन कौन से दो तरीके पैसा उठाने के मार्केट से। हाँ बिल्कुल सही, मुन्नी को याद आ गया, डेट और इक्विटी, है ना। और पैसा कहां लगाना है इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट। हाँ सर याद आ गई बात, डेट और इक्विटी से पैसा लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पैसे का यूसेज होता है। एक बात मुझे ध्यान रखनी है कि सर जब भी मैं पैसा लूंगा तो मुझे जरूरत से ज्यादा ना मिल जाए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मिलेगा तो बहुत डेंजर बात है। देखिए बोलता, तुम्हें पैसे की जरूरत है मान लो 1 करोड़ रुपए की, तुमने मुझसे ले लिए 2 करोड़ रुपए, कितने ले लिए 2, तो तुम्हारा पैसा तो बहुत आ गया। अरे बहुत पैसा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है कि नहीं बात। लेकिन क्या मैं तुमसे 1 करोड़ ब्याज मांगूंगा 2 करोड़ ब्याज मांगूंगा, 2 करोड़ मांगूंगा ना, 2 कलोल पे, कितने मांगूंगा 2 कलोल पे। तो एक बात सोचो, मैंने ब्याज बोला, इंटरेस्ट बोला 10%, तो 1 करोड़ पे, तो 1 करोड़ रुपए तुमने बिजनेस में लगा दिया, वहां से तुमने 20% पैसा कमाया और 10% मुझे ब्याज दे दिया, 10% तुमने प्रॉफिट कमा लिया, जमती है बात, क्योंकि तुम्हें पता था इतना तो मैं कमा लूंगा। जो तुमने मुझसे एक्स्ट्रा 1 करोड़ रुपए ले लिए, उसके भी तो मैं तुमसे 10 लाख रुपए का ब्याज मांगूंगा, वो 10 लाख रुपए कहां से लाओगे तुम, कहोगे सर जी ये क्या हो गया, मैंने तो आपसे पैसा ले लिया पर उसको तो मैंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया,
तो वो पैसा जो तुमने एक्स्ट्रा ले लिया ना मुझसे 1 करोड़ रुपए, वो तुम्हारी गलती है। पैसा उतना ही लो जितना मेरे इन्वेस्टमेंट के काम आए, और अगर गलती से तुमने पैसा एक्स्ट्रा उठा लिया तो उसकी इन्वेस्टमेंट सोर्स क्या कर लो, डिसाइड कर लो कि भैया यहां से इतना पैसा तो कम से कम कमा लूं कि सर का ब्याज निकल जाए। यानी एक्स्ट्रा 1 करोड़ से तुम कम से कम 10 लाख कमा लो कि मेरा ब्याज निकल जाए, है ना। इसे बोलते हैं बिजनेस, इसे बोलते हैं बिजनेस प्लानिंग। क्या बोलते हैं, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या बोलते हैं सर, फाइनेंशियल प्लानिंग, कि भैया रिड्यूस द कॉस्ट, है ना, कि भैया एक तो जो पैसा मिले तो उसे कम कॉस्ट में मिले और रिस्क भी अंडर कंट्रोल में रहे, है ना। ये वाली बात है, ये गलती से यहां लिख दिया, ए बड़े बड़े जो मैं चैनल हिटा छोटी बात है, ये आएगा ना, ये आएगा सर बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये कहता है, एक तो फंड जबरदस्ती के इकट्ठे मत करो, और अगर इकट्ठा हो गया तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दो जहां से तुम्हारा ब्याज तो निकल ही जाए, ठीक है। फिर आता है सर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बैलेंस शीट से समझाया था, तो मुन्ना मुन्नी हमें बताएंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है पीएनएल और बैलेंस शीट के थ्रू। 4 रोल बैलेंस शीट से थे, 1 रोल पीएनएल से था। तो बताओ सबसे पहला रोल क्या था सर, सबसे पहला रोल भूल गई मुन्नी, ए मुन्नी, सबसे पहला रोल था फिक्स असेट्स, कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स, कि फिक्स असेट्स कितनी ले, बताओ क्यों इतना बड़ा रोल क्यों है, फिक्स असेट कितना ले लें हम, खरीद लें लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग कितना ले लें, रीजन बताओ क्यों। अगर आपने सारा पैसा जो डेट और इक्विटी से उठाया है, यानी बैंक से डिबेंचर से इक्विटी शेयर से उठाया, उसकी बिल्डिंग खरीद ली, अब तो रॉ मेटेरियल कहां से लाएगा, मैंने बात कपड़ा, मतलब कपड़े का बिजनेस है तो तुमने बिल्डिंग फैक्ट्री तो खरीद ली, वो तो कपड़ा कहां से आएगा, बेचेगा क्या, है कि नहीं बात। तो फिक्स असेट्स का कहा जाता है, फिक्स असेट्स इतनी खतरनाक चीज है कि जैसे तुमने फिक्स असेट में पैसा लगाया, पता क्या हो गया, तुम्हारा पैसा वो ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक के जो फंड हो जाता है वो भी करोड़ों रुपए का, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम्हें ये समझाता है कि भाई बहुत सोच समझ के फिक्स असेट्स में पैसा लगाना है, इसे पहला रोल बनता है फॉर द फिक्स असेट्स। दूसरा रोल, फिक्स असेट्स के नीचे क्या आता है सर, करंट असेट। तो फाइनेंशियल मैनेजर समझाता है करंट असेट्स में कौन से कंपोनेंट कितने रखने हैं, कितने हद तक मैं डेटर को इकट्ठा कर लूं, ऐसा थोड़ी उधार में बेचते चले जाओ, उधार में बेचते चले जाओगे तो फिर क्रेडिटर को कैसे चुकाओगे, तुम क्रेडिटर से कह रहे हो भाई डेटर पैसे नहीं दे रहा, और डेटर को क्या करते रहो, क्रेडिट पे उधार दिए जा रहे हो, गलत है ना। तो क्रेडिटर डेटर को किस हद तक उधार देना है, किस हद तक गल्ले में कैश, गल्ला समझते हो ना यूपी की भाषा में गल्ला, किस हद तक गल्ले में कैश होना चाहिए, किस हद तक बैंक में कैश होना चाहिए ताकि बैंक में पैसा पड़ा होना चाहिए ताकि आपको पैसे की कमी ना रहे, लिक्विडिटी बनी रहे, किस हद तक आपको स्टॉक रखना है। अब स्टॉक इतना भी ना हो जाए कि छत पे रखना पड़ जाए, बारिश आके खराब हो गया, खासकर कैसी इंडस्ट्री को, फर्नीचर इंडस्ट्री को, सीमेंट इंडस्ट्री को। अब तुम्हारा इतना बड़ा कमरा, इतना हम पढ़ रहे हैं, अब तुमने कहा इसमें सीमेंट के मान लो 10,000 कट्टे आ जाएंगे, बैग आ जाएंगे, यूपी की भाषा में कट्टे समझते हो ना, यूपी की भाषा में 2 तरह कट्टे होते हैं, तो ये वाला कट्टा यूपी में है ना, और एक जिसे हम जूट का बैग बोलते हैं उसे भी कट्टा बोलते हैं ना। तो बैग तुम 10,000 रख दो, तुमने स्टॉक अपने इकट्ठा कर लिया 15 का, तो अगर 5 छत पे रखोगे तो क्या होगा, बारिश आ गई तो, है ना, सर्दियों में बूंद हो, उसकी बूंद पड़ गई तो भी खराब हो जाएगा वो। तो कितना स्टॉक रखना है ये बॉन बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बताता है कि भैया करंट असेट्स और उसके ब्रेकअप में आपको कितनी चीजें रखनी है, याद आ गई बात। फिर दो बातें किसकी बताई फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने, लायबिलिटी साइड की, ठीक है, राइट। लायबिलिटी साइड में बताई आपको डेट इक्विटी रेशियो कितना रखना है, बताओ डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, अब तो तुम महारथी हो सर, डेट इक्विटी रेशियो मतलब होता है मैं जब पैसा उठाऊंगा मार्केट से तो मार्केट से कितना डेट और कितना इक्विटी, मार्केट से कितना डेट और कितना इक्विटी, ये रखना है कि नहीं बात। और क्या रखना है सर बाद में, फिर कि लॉन्ग टर्म लोन कितना लेना है और शॉर्ट टर्म लोन कितना लेना है, राइट। लॉन्ग टर्म कितना लेना है और शॉर्ट टर्म कितना लेना है, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर लोन लेना है तो इक्विटी की तरफ जाओ, शॉर्ट टर्म लोन लेना तो शॉर्ट टर्म लोन वगैरह बैंक वगैरह सब शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो, ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई सर, राइट। तो आपको खुद डिसाइड करना है, एक तो डेट इक्विटी, यानी तीसरा पॉइंट ये हो गया भैया हमारा, और चौथा पॉइंट ये हो गया भैया हमारा कि डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, कितना डेट से कितना इक्विटी से, लॉन्ग टर्म कितना शॉर्ट टर्म कितना, ये 4 बातें बताता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर, जिसे हम बोलते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ सर जी, याद आ गई बात, बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। बैलेंस शीट बेचारी नाराज हो रही है, वो बैलेंस शीट तो खुश हो रही है, पीएनएल नाराज हो रहा है, पीएनएल कह रहा है मेरे बारे में कुछ ना बता देगा,
ठीक है। तो भैया क्या करना पड़ेगा, एक बात किसकी बतानी पड़ेगी, पीएनएल में। और पीएनएल ने जो बात बताई वो धमाकेदार बात थी, होश उड़ गए लोगों के, बच्चों के, है ना। बच्चे कह रहे सर क्या बोल दिए, है ना। पीएनएल ने पता क्या बोला, पीएनएल ने बताओ क्या बोला, याद करो बात, पीएनएल ने क्या बोला। मन तो तुम्हारा रिलैक्सो की चप्पल निकाल के बजा दो तुम्हारे में। डिविडेंड तो नीचे आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, डिविडेंड तो आफ्टर नेट प्रॉफिट से बढ़ता है ना, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। पीएनएल की बात कर रहे हैं, पीएनएल में नलायक चीजें हम दो तरीके से पैसा लेते हैं, डेट्स और इक्विटी से। इक्विटी वालों क्या देते हैं, डिविडेंड, है ना, और डेट को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। तो पीएनएल क्या बोलता है, पीएनएल बोलता है कि आपको ध्यान रखना है कि कितना मैं डेट ले रहा हूं। सुनना ध्यान से, एक इक्वेशन जो मैंने तुम्हें बताई थी और वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आती है। डेट ज्यादा तो ज्यादा क्या, डेट ज्यादा तो इंटरेस्ट ज्यादा, इंटरेस्ट ज्यादा तो नेट प्रॉफिट पे क्या असर होगा, कम। नेट प्रॉफिट कम तो, नेट प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम, टैक्स भी कम और डिविडेंड भी कम। नेट प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम नहीं जाएगा, है ना। तो भैया नेट प्रॉफिट कम तो इससे दो बातें सामने आती है, नेट प्रॉफिट कम तो मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कम बांटूंगा, क्योंकि इक्विटी को मैं क्या बोलता हूं कि भैया पैसा होगा तो मैं डिविडेंड दूंगा वरना नहीं दूंगा, है ना, और टैक्स भी क्या होगा, कम। एक फायदा एक नुकसान। अब पीएनएल बोलता है जब तुम इस इंटरेस्ट को कहां डालोगे, पीएनएल में डेबिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन डेट। तो भैया सोच समझ के इंटरेस्ट को डेबिट करना कि जब तुम्हारा नेट प्रॉफिट कम, इंटरेस्ट डालने से नेट प्रॉफिट तुम्हारा कम होगा तो कौन नाराज होंगे, शेयर होल्डर नाराज होंगे। और मैं डेट कम लूंगा, डेट कम लूंगा तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा जाएगा, टैक्स ज्यादा जाएगा नहीं जाएगा, अब मुझे लगेगा यार टैक्स ज्यादा जा रहा है कि नहीं बात, राइट। तो इंटरेस्ट बढ़ाता हूं तो नेट प्रॉफिट कम होता है, नेट प्रॉफिट कम होता है तो इक्विटी वाले नाराज होते हैं। अब इंटरेस्ट घटाता हूं तो नेट प्रॉफिट बढ़ता है, नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो इक्विटी वाले तो खुश रहते हैं, भैया ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, पर टैक्स ज्यादा जाता है तो दिल पे लगती है बात मेरे, भैया टैक्स इतना चला जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये रोल है, इन चारों बातों को आपको बीच का रास्ता निकालता है, ना तेरी ना मेरी माइंड वाली कर लेते हैं मुंबई की भाषा में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है मैं बताऊंगा तुम्हें तुझे कैसे कैसे काम करना चाहिए अपने जीवन में कि शेयर होल्डर भी खुश रहे, टैक्स भी कम जाए, है ना, और कंपनी भी बढ़िया चलती रहे। इसे बोलते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर बात याद आ चुकी है, ये रहा सर कितना फिक्स एसेट लें, क्योंकि फिक्स एसेट पर पैसा डालते क्या होता है, पैसा ब्लॉक हो जाता है। हाँ सर याद आ गई बात। क्वांटम ऑफ करंट एसेट ब्रेकअप बताओ, कितना कितना मुझे कैश रखना है, इन्वेंट्री रखनी है, बीआर रखना है, कैश और बैंक में कितना पैसा रखना है, याद आ गई बात, ठीक है ना, राइट। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कितना कितना यूज करना है, है ना, ये तुम्हें देखना है। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, राइट, यानी कि डेट इक्विटी और कितना डेट और कितना इक्विटी, तो डेट इक्विटी कितना रखना है। और ये वाली बात, ये बात सर हायर द डेट मींस हायर द इंटरेस्ट, और हायर द इंटरेस्ट तो लोअर द प्रॉफिट, लोअर द प्रॉफिट तो लोअर द डिविडेंड। ऐसे ही सिमिलरली हायर इक्विटी इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ हाई डिविडेंड, ठीक है ना। तो हाई इक्विटी रख रखी है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हाई डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे। तो इनका ध्यान रखना है कि आपको एक मॉडरेट डिसीजन लेना है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ज्यादा टैक्स ना जाए और शेयर होल्डर भी नाराज ना हो। तो बैलेंस लो, इतना इक्विटी लो कि इक्विटी वालों के पास अच्छा पैसा चला जाए, इतना डेट लो कि टैक्स भी ज्यादा ना जाए। इसी वजह से सुनना ध्यान से, इसी वजह से हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, ध्यान समझना उस बात को। डेट ज्यादा तो इंटरेस्ट ज्यादा, इंटरेस्ट ज्यादा तो नेट प्रॉफिट कम, नेट प्रॉफिट कम तो टैक्स कम। इस बात इस प्यार को क्या नाम देते हैं, पता है इस प्यार को क्या नाम देते हैं, इंटरेस्ट इज टैक्स, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। अब कई बार बच्चे बस इसी लाइन पे टक जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आया भैया, समझ में नहीं आया मेरी बात, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल ये क्या मतलब है, इंटरेस्ट और टैक्स इसका क्या लेन देन है, समझ गए बात। अब तुम बताओ वाई इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, बोलो बोलो वाई इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। हाँ हाँ बिल्कुल सही, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, इंटरेस्ट से टैक्स बचता है क्योंकि डेट ज्यादा तो इंटरेस्ट ज्यादा, इंटरेस्ट ज्यादा तो नेट प्रॉफिट कम, नेट प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम। बात समझ में आ गई। फिर सर फिर हमारे आए थे तीन डिसीजन, और तीन डिसीजन में सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमें यह जानना जरूरी है फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन आता है,
फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर बोलो, हाँ फाइनेंसिंग डिसीजन आता है, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन आता है। याद आ गई बात मुन्नी? अब फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बोलता है बताओ? फाइनेंसिंग डिसीजन मैंने तुम्हें लिखवाया था हिंदी में, ओड नलाई को क्या लिखवाया था? फाइनेंसिंग डिसीजन हिंदी में लिखवाया था, किताब खोल लो अपनी रंग बिरंगी कॉमिक, क्या लिखवाया था हिंदी में बोल दो भाई साहब। तुम भाई पटाखे सुन के आए हो क्या? तुमने पटाखों का नशा किया मुझे लग रहा है इस बार। ये तुमने होली दिवाली और कह रहा हूँ दिवाली न्यू ईयर पे पटाखे बचा लेते हो ना तुम, ये वही सूंघते हो तुम सर्दियों में, है ना? तभी याद नहीं आ रहा। अरे भाई कितना पैसा डेट से लें और कितना पैसा इक्विटी से लें, इस डिसीजन को लेने में, है ना, या इस डिसीजन को लेने के लिए क्या बोला जाता है, या इस डिसीजन को क्या बोला जाता है? फाइनेंसिंग डिसीजन बोला जाता है। जो मैं पैसा इक्विटी से लेता हूं उसे शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, जो पैसा मैं डेट से लेता हूं उसे बोरोड फंड बोलते हैं, ठीक है ना? और दोनों ही क्या चीजें होती हैं सर? दोनों ही लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं, दोनों ही लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं, ठीक है ना? राइट, इक्विटी और रिटेन अर्निंग। तो शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर होल्डर का फंड होता है इक्विटी और रिटेन अर्निंग। बोरोड फंड क्या होता है? डिबेंचर और बैंक का लोन। बात समझ में आ गई? इसके बाद बात समझ में आ गई? इसके बाद इधर ध्यान दो, इसके बाद सबसे गंभीर, गौतम गंभीर से भी गंभीर चीज क्या पढ़ी थी सर हमने? सर दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं आती, हर चीज की क्या है सर? कीमत है। तो क्योंकि पूरे चैप्टर में ये चीजें घूमनी है, आगे तीनों डिसीजन में ये चीजें काम आएंगी। दो चीजों से हम पैसा उठाते हैं, एक उठाते हैं डेट से, एक उठाते हैं इक्विटी से। फिर से वही कहानी है, एक राजा और रानी, जो बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है ना? सबसे पहले कॉस्ट और फिर रिस्क। बताओ पहले रिस्क की बात करते हैं, किसमें रिस्क ज्यादा होता है, डेट में इक्विटी में? क्यों? हाँ, या कौन सी पिक्चर याद आ गई? धूम थ्री, बैंक वाला तुम्हारी ऐसी की तैसी डिच के आओ, है कि नहीं बात? याद आ गई बात? डेट इतना रिस्की होता है, डेट इतना रिस्की होता है, डेट इतना रिस्की होता है कि आमिर खान के पिताजी को क्या करना पड़ा था सर? आत्महत्या करनी पड़ गई, क्योंकि वो लोन नहीं चुका पाए। इससे डेट हाई रिस्की होता है और इक्विटी लो। दोनों बातें हिंदी बताओ, डेट हाई रिस्की क्यों होता है? एग्जाम में क्या लिख के आऊंगा? क्योंकि, क्योंकि बोलो, चमाटे लगेंगे तुम्हारे, प्रॉफिट हो या ना हो। शाहरुख खान का डायलॉग याद कर रहा था, है ना? कल हो ना हो, है ना, कल हो ना हो की तरह प्रॉफिट हो ना हो, इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट देना है। कई बार तुम्हें ये लिखवाई मैंने बात हिंदी में, है कि नहीं बात? इक्विटी में, इक्विटी में रिस्क कम क्यों बताओ? हाँ, अब आए तुम होश में। अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट है तो डिविडेंड दे, अन्यथा वरना नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सीधा हाथ जोड़ लेना भैया, प्रॉफिट ना था तुम्हें कहां से दे दे, हम पे प्रॉफिट ना है तो निकल लो यहां से, बात खत्म, ठीक है सर? हिंदी में बात याद आ गई थी, किसी कीमत ज्यादा होती है, किसी कीमत कम होती है? डेट की कीमत कम होती है, क्योंकि डेट में क्या होता है, डेट में जान माल का खतरा होता है, ठीक है? कि आदमी पेमेंट ना कर पाए तो भैया आत्महत्या करनी पड़ जाए, घर परिवार बिक जाए, तो भैया क्या करें? उसके लिए उसकी कीमत कम करते हैं। इक्विटी कीमत क्या होती है सर? इक्विटी कीमत होता है हाई, क्यों होती है? इक्विटी वाले कहते हैं मटर पनीर की तरह, याद आ गई बात? इक्विटी वाले कहते हैं भैया तुमने बोला प्रॉफिट हो तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो पेट भर के खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। प्रॉफिट है ना, ज्यादा दे अब, या तो प्रॉफिट करता ही मत, हम तसल्ली कर लेते प्रॉफिट नहीं तो भाई हम डिविडेंड कहां मिलेगा। अब तेरे पास प्रॉफिट है ना तो पेट भर के दे, पेट भर के दे, तो इसलिए उनकी कीमत ज्यादा होती है, याद आ गई बात? अब इन्हीं बातों का इस्तेमाल करना है, इन्हीं बातों का हमें इस्तेमाल करना है। कौन सा डिसीजन सर? फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में मैंने तुम्हें बहुत ही चटपटा एक, है ना, SRK बनवाया था, जिससे तुम्हें बात याद आ गई थी। सर हमें दो बातों का ध्यान रखना है, हमें इक्विटी पे जाए या डेट से पैसा लें, इक्विटी से पैसा लें या डेट से पैसा लें, इक्विटी से पैसा लें या डेट से पैसा लें, ठीक है मुन्ना मुन्नी? अदर थिंग इकोनॉमिक्स की तरह, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सभी बातों को अपने फेवर में मानो। और पिताजी ने बोला कि भाई सारी बातें मेरे फेवर में, तू बस तू ये बता दे किसकी कीमत ज्यादा होती है, किसकी कीमत कम होती है, मैं कॉस्ट के हिसाब से लोन पैसा
मनी उठाऊंगा, तो पिताजी को क्या बोलने का है? तो पापा पूछ रहे किससे लूं फिर, डेट से लूं या इक्विटी से लूं? हाँ, तो पापा बोला पापा बैठ उठ लगाए पापा, कैसे बैठे पापा, इक्विटी मत चला जाना, डेट प्रेफर करना, क्योंकि डेट क्या होता है, सस्ता होता है, क्योंकि आपके लिए तो बाकी चीजें अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। याद आ गई बात सर। दूसरी बात सर, पापा कह रहे हैं अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, कॉस्ट और सब भूल जा, मुझे बता जो जिसमें रिस्क कम होगा वहां से पैसा लूंगा। भैया कम से कम दिल जान जिगर सब अपने पास तो रहेगा, वरना वो गाना गा देंगे दिल दिया है जहां तुझे देंगे, है ना, राइट। तो क्या ले पापा? हाँ इक्विटी लो पापा, रिस्क कम है, पैसा होगा तो देंगे वरना ना देंगे। ओ बड़े बड़े जो में है ना। हाँ सर, पिताजी ने तीसरी बात बोली, पिताजी ने बोला भाई फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है इक्विटी इश्यू करने की कीमत, मेमोरेंडम छपवाना, आर्टिकल छपवाना, प्रोस्पेक्ट छपवाना, सेबी की फीस देना, इक्विटी लिस्ट करना। अब इसमें दो बातें आती हैं, मैंने तुमसे पापा ने गूगल किया, गूगल आंटी ने बोला इक्विटी कॉस्ट अभी हाई चल रही है भैया, शेयर मार्केट में बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट भी हाई पे चल रही है, तो क्या बोले पापा क्या करना चाहिए? अब अगर इक्विटी कॉस्ट हाई है तो क्या करें? तो पापा इक्विटी मत जाएं, डेट पे जाएं। और अगर पापा ने बोला कि बेटा इक्विटी कॉस्ट क्या चल रही है सर, लो चल रही है, मार्केट बिल्कुल धराशायी चल रही है ना, तो लोग वह कह रहे हैं प्रोस्पेक्टस मेमोरेंडम आराम आराम से सस्ते सस्ते में छप जाएगा, सेबी भी ज्यादा अड़ंगे नहीं लगाती, तो क्या होगा सर? तो इसके दो आंसर बन जाते हैं। फिर सर चौथी बात आती है कैश फ्लो, कैश फ्लो पोजिशन, याद रखना बात, कैश फ्लो पोजिशन आपके बिजनेस की बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, मतलब आपका एक भी डेटर आपको या तो पैसे नहीं मारता, और आपकी कंपनी में डेटर है ही नहीं, मतलब डेटर क्यों नहीं है, सब एडवांस, सारी चीजें क्या है एडवांस, सब एडवांस है, कह रहे हो भैया मैंने डेटर होते ना है, सारे एडवांस, जैसे अपना कोचिंग फीस क्या है एडवांस है, बैड डेट होने के चांस क्या है, कम है, जब सारी चीजें एडवांस है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है, तो डेट लें इक्विटी लें? हाँ, तो फिर सस्ता माल लो ना, महंगा माल क्यों ले रहे हो जब पैसा इतना पड़ा है, तो है कि नहीं बात, सही बात। पापा को बोलते हैं पापा डेट लेंगे, पापा डेट लेंगे। पांचवा पॉइंट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट समझते हो क्या होता है, बताओ कौन सी होती है? जो फिक्स खर्चा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना, किराया, सबसे आसान चीज क्या है, बिल्डिंग का किराया। अब बताओ भैया आप, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपके कंपनी की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, तो डेट लोगे इक्विटी लोगे? बिल्कुल सही, इक्विटी लेंगे, डेट नहीं लेंगे। एक तो पहली बिल्डिंग का किराया जा रहा है, पहले क्या हो रहा है बिल्डिंग किराया जा रहा है, ठीक है ना, और ऊपर से तुम डेट लेके ब्याज का उधार ले लो अपने सर पे, तो इससे बड़े क्या करो, इक्विटी लो, कम से कम बोझ तो नहीं आएगा ना फिक्स कॉस्ट का। अगली बात सर, कंट्रोल अंबानी की तरह बात नहीं करो, अंबानी की तरह बताओ कंट्रोल, तुम्हें मैं मान रहा हूं कंट्रोल तुम्हें चाहिए, कंट्रोल यू नीड लाइक अंबानी, है ना, तुम्हें कंट्रोल चाहिए, तो डेट ज्यादा लूं या इक्विटी ज्यादा लूं, जल्दी बोलो, है डेट या इक्विटी? अरे कंट्रोल तुम्हें चाहिए ना लायक, तो क्या लेंगे? डेट लेंगे, इक्विटी क्यों लोगे? अगर तुमने इक्विटी दे दिया, अगर तुमने इक्विटी इशू कर दिया, तो कंट्रोल तो शेयर होल्डर के पास चला गया। इक्विटी इशू करने का मतलब क्या है? भैया अकाउंट्स वाले भी आत्महत्या कर ले, उन्होंने 100 बार बताया होगा अकाउंट्स वाले भैया ने भी, अकाउंट्स में भी, कि शेयर होल्डर कौन होते हैं? मालिक होते हैं, तो डिसीजन किसका होता है? तो अगर तुम्हें कंट्रोल खुद के पास चाहिए, तो शेयर होल्डरों को मालिक क्यों बना रहे हो? खुद को मालिक बनाओ ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे सर, डेट लेंगे, इक्विटी ना लेंगे, मालिक मैं बनूंगा, इक्विटी अपने पास रखूंगा, अंबानी यही करते हैं, ठीक है ना। और आखिरी पॉइंट, ठीक है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट बूम पीरियड पे चल रही है, बहुत बढ़िया है कि नहीं बात, बहुत बढ़िया चल रही है कैपिटल मार्केट। अब बताओ अगर कैपिटल मार्केट हाई चल रही है, तो क्या करें सर? इक्विटी ले, क्योंकि लोग बाग इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, और हायर प्राइस पे लेने के लिए, वैल्यूएशन पे तैयार है लेने के लिए। LIC का शेयर बहुत दिल पे दर्द है, बहुत लॉस में चल रहा है कि नहीं बात, 900-950 रुपए में लोग लेने के लिए तैयार थे, उनमें मैं भी था, गलत हुआ मेरे साथ, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया कैपिटल मार्केट है ना, राइट, जैसे कि मान लो आजकल जैसे कैपिटल मार्केट चल रही है, ठीक है,
तो अगर इतनी हाई कैपिटल मार्केट चल रही है तो क्या करना चाहिए सर? देख रहे हो, यहां से चली 2020 में धनाधन धनाधन धनाधन, कहां पहुंच गई सर? 18,000 हाई, फिर 18,000 से नीचे पहुंची, अब कहां चल रही है सर? अभी भी लगभग चल रही है 18,150 तक। तो मार्केट अगर इतनी हाई चल रही है, ठीक है, तो भैया पैसा कहां लगाना चाहिए? इसका मतलब लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो जिन लोगों ने यहां पैसा लगाया कोरोना के टाइम पर, वो आज करोड़पति हो गए। अडानी एंटी वाले बताया था मैंने, अडानी एंटी 100 रुपए का शेयर था कोरोना के टाइम पर, आज 3,000 रुपए का चल रहा है। यानी पिताजी ने 1 लाख रुपए लगाए होते अडानी एंटी में, तो आज पिताजी के पास 30 लाख रुपए होते, 1 लाख के 30 लाख। ठीक है ना, जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं बात? राइट, तो कैपिटल मार्केट इतना अच्छा चल रही है, लोगों को भैया क्या हो रहा है? अरे भैया ऐसा हो गया है सच में, अडानी एंटी, अरे भैया है ना? राइट, तो लोग कहां पैसा लगाएंगे फिर शेयर मार्केट में? तो अपने तुम्हें पैसा कहां से लेना चाहिए फिर? इक्विटी से, डेट से? इक्विटी से लो ना, लोग पैसे देने के लिए तैयार है। तो ठीक है, सीक्रेट कोड बोलो, सीक्रेट कोड बोलो, फाइनेंसिंग डिसीजन का सीक्रेट कोड क्या था? पक्का? हाँ सर, फाइनेंसिंग डिसीजन का सीक्रेट कोड था ये, जो आपकी कॉमिक्स से बन रहा है, उम्मीद है याद आ गया होगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को फाइनेंसियल डिसीजन रटाए, चांदनी चौक में रटाए, घर बैठ के रटाए हो चाहे। तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को फाइनेंशियल डिसीजन रटाए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को फाइनेंशियल डिसीजन रटाए। अब भैया अगली बात आती है सर, फाइनेंसिंग डिसीजन ढूंढ लिया हमने, अब आती है सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या आता है सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन? बताओ क्या होता है, हिंदी में बताओ पहले। मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन तुम्हें हिंदी में क्या लिखवाया था? हाँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये था, फाइनेंसिंग डिसीजन लेकर, कौन सा सर लिखो, है ना, लिख तो रखा ही, खैर तुमने अपनी कॉमिक में। फाइनेंसिंग डिसीजन लेकर जो पैसा इकट्ठा किया, जो पैसा रेज किया, उस पैसे को कहाँ, हाँ कौन कौन सी एसेट लें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इस सोच को और इस डिसीजन को लेने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन राइट, कहाँ इन्वेस्ट करें, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये लिखिए बात, वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, ताकि हम उससे हाई रिटर्न, ताकि हम उससे हाई हाई आरओआई कमा सकें। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने तुम्हें डिटेल लेक्चर में बताई भी थी कि सर एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है और बनना भी चाहिए, किसके बारे में सर? किसके बारे में? फिक्स असेट डिसीजन के बारे में, और एमसीक्यू में 100% आने की संभावना है, याद रखना। फिक्स असेट डिसीजन आर ऑल्सो कॉल्ड, फिक्स असेट डिसीजन आर ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, या फिर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स असेट डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें दो डिसीजन के बारे में समझाता है कि लॉन्ग टर्म में कितना इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में कितना इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जब मैं मशीन्स के बारे में बातचीत करता हूं, खरीदता हूं। तो ये एग्जाम में बहुत एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड लिखेंगे एग्जाम में कि भैया कैपिटल बजटिंग डिसीजन को ही हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन या लॉन्ग टर्म डिसीजन बोलते हैं। अब आती बात, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किस पे डिपेंड होते हैं सर, है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फर्क डालते हैं। सबसे पहली बात, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट आपका बहुत बढ़िया है, कैश फ्लो प्रोजेक्ट आपका बहुत बढ़िया है, तो क्या करोगे सर, है ना, आप उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ जहां कैश फ्लो क्या हो सर, अच्छा हो। राइट, अब जैसे कि एक बिजनेस आपने, ठीक है, मान लो कपड़े का कर दिया, एक बिजनेस आपने फूड का किया, फूड में आप क्या करते हो, ध्यान देते भैया एडवांस में पर्ची कटाओ बीकानेर की तरह और पैसा लो। क्लोथ में आपको क्या देना पड़ता है, उधार देना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ कैश फ्लो से डिसीजन लूंगा, तो आपको कौन सा बिजनेस चूज करना चाहिए, फूड बिजनेस, ठीक है ना। राइट, तो कैश फ्लो का मतलब होता है कैश कितना आने वाला है, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइज बिफोर कंसीडर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो आपको उस मशीन में, उस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना है जहां पर आपका कैश फ्लो क्या हो सर, जल्दी 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 आए, ब्लॉक ना हो पैसा। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न में मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहां मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कॉलेज का, याद आ गया बात, याद आ गया बात। एक कॉलेज वाले कह रहे हैं 5 साल के बाद हमसे 25 लाख रुपए ले लेना, कितने ले लेना, 25 लाख। दूसरे कॉलेज वाले कह रहे हैं हर साल हमसे 5 लाख रुपए ले लो, ईच ईयर, तो मुझे कैश फ्लो ऐसे मिलेगा 5 साल के बाद 25 लाख और हर साल 5 लाख, तो कौन सा सही रहेगा, है ना, हर साल 5। 5 साल के बाद मान लो वो 26 भी दे रहे हैं तो भी हर साल 5 बेटर रहेगा, क्योंकि 5 आएंगे तो मेरे पास कैश फ्लो जल्दी तो आएगा, बैड डेट के चांस भी कम होंगे, और उन्हें मैं अपने तरीके से इन्वेस्ट करूंगा। रिटर्न,
अब भैया मान लो फूड फूड बिजनेस में रिटर्न आ रहा है आपका, मान लो 40% प्रॉफिट हो जाता है आपका, आपको पता है ठीक है ना। आटा गूंदा, तंदूर में चिपकाई रोटी, ठीक है, हमें पड़ी 2 रुपए की, बेची 20 रुपए की, है गरीब बात, समझ में ना बात। पनीर लाए 100 रुपए का, गरीब गरीब मिलाई, ठीक है, बेच दिया 300-350 का चिपका के, राइट, ठीक है। तो तुम्हारे हाथ के बनाने में जादू है, पनीर में जादू थोड़ी होता है। मम्मी के हाथ का पनीर बढ़िया लगता है, पड़ोसी के हाथ का बढ़िया लगता है, तो पनीर तो दोनों का सेम है। ये मम्मी कह रही मैं तो लाई थी मम्मी डेयरी से, वो कह रहा है मैं तो यहीं से लिया आया था भैया अमूल डेयरी से। तो बात अमूल और हमारी डेयरी की नहीं है, बात क्या है जो बना रहा है ना उसने कैसे बनाया है। तो भैया आपने फूड बिजनेस में कहा भैया मुझे बहुत बढ़िया खाना बनाना था 40%, तुमने कहा मोबाइल बिजनेस खरीद लेता है, वो मोबाइल में बहुत सारा कंप्यूटर सैमसंग भी है, ये भी है, वो भी है, और उसमें रिटर्न मान लो 10% आ रहा है, तो कौन सा बिजनेस अपनाना चाहिए? फूड बिजनेस। फूड बिजनेस में तो जितना हम नहीं कमा रहे उतना ठेले वाले कमा रहे हैं, है कि नहीं बात। छोले भटूरे ठेले पे बेच रहे हैं, लाइन लग के खा रही लोग बाग, है कि नहीं बात, स्ट्रीट फूड के नाम से, है ना। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, सुनना ध्यान से, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया तुम्हें साथ साथ इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट पे सपोर्ट करती है नहीं करती। तो मैंने तुम्हें बताया एक प्रोजेक्ट है मेरे पास प्लास्टिक और एक प्रोजेक्ट है मेरे पास कुल्लड़, बताओ इधर ध्यान दो दोनों, तो बताओ कौन से बिजनेस में जाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आपको पता है प्लास्टिक में फ्यूचर नहीं है, कल मोदी जी बोल देंगे भैया ये हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है, या कल कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल देगा ये हो रहा है वो हो रहा है फलाना हो रहा है, ठीक है ना। कांग्रेस बोल देगी, बीजेपी बोल देगा भैया ये हो रहा है, हमें इंटरनेशनल को सपोर्ट करना है, प्लास्टिक बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, समुद्र में प्लास्टिक, व्हेल मछली प्लास्टिक खा रही है, बीमार गैया, गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है, गैया प्लास्टिक खा रही है ना, राइट, गैया जी बीमार हो गई, ठीक है नहीं बात, राइट, प्लास्टिक से ये हो रहा है वो हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, ले भैया यूफ्लेक्स 62 में हमारा यूफ्लेक्स 62-63 में यूफ्लेक्स कंपनी है ना, यूफ्लेक्स बेचारी परेशान, अरे हम प्लास्टिक का ही तो बनाते हैं, तो यूफ्लेक्स बेचारी यूं तो लूटी पड़ी है, क्योंकि क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो भैया कुल्लड़, कुल्लड़ को प्रमोटर है तो छोटे छोटे कुल्लड़ बनाने वाले खुश हो रहे हैं, भैया चाय कुल्लड़ की हो तो मजा आएगा। तो रेलवे मिनिस्टर ने तो एक बार बोल दिया पेपर ग्लास ऐसे, ठीक है, प्लास्टिक के ग्लास या प्लास्टिक है ना, राइट, बैन। अगर चाय पीनी है स्टेशन पे तो कौन सी पीनी है? कुल्लड़ में ही मिलेगी। कुल्लड़ का पता फायदा क्या है? तुमने पी के वहां भी फेंक दिया, लोग फेंकते भी तो किस पे? ट्रैक पे, तो मिट्टी है घुल जाएगा, प्लास्टिक फेंक दो ट्रैक पे तो घुलेगी नहीं कभी जिंदगी में, फिर ट्रैक की सफाई, फिर तुम कहोगे यार हम ही गंदा कर रहे हैं, फिर कहोगे यार बताओ ट्रैक कितना गंदा हो रहा है। तो भैया ये वाला ज्यादा बेटर है ना, ऐसी प्लास्टिक बैग की जगह जूट बैग ज्यादा बेटर है। तो हमें ये देखना है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए मुझे बैंक लोन देगा नहीं देगा। प्लास्टिक के लिए लोन अप्लाई कर दोगे ना प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए, बैंक लोन ना देगा, क्या क्या भैया लोग बताना, तुम चुका पाओगे ना चुका पाओगे, उसमें कैश फ्लो कैसा है, रिटर्न रिटर्न कैसा है, और गवर्नमेंट उसको क्या सपोर्ट करती है, है कि नहीं बात। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगली बात लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? फिक्स एसेट का डिसीजन, फिक्स एसेट हमने ये लिया लैपटॉप लिया, ऐसा कुछ लिया, तामझाम लिया, तो इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही? तो व्हाइट बोर्ड से थोड़ी पढ़ाऊं तुम्हें मैं। रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि भैया तुम्हें पता है फिक्स एसेट्स में जाते ही पैसा क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है कि नहीं बात। तुमने एसी मशीन है, तुमने एसी खरीद लिया मान लो, या मशीनें खरीद ली, अगले दिन तुम्हें पता लगा अरे दादा गलत आ गई मशीन, दूसरी वाली लेनी थी, तो ये उतने बिक जाएगी वापस, जिसने बेची है वो भी ना लेगा, वो भी हाथ जोड़ लेगा भैया बिका हुआ माल वापस ना होता है कि नहीं बात, राइट, तुम्हें बताइए। तो भैया इसलिए जितनी भी मशीनें होती हैं उनके साथ ये बड़ी दिक्कत है कि रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है। अगर तुमने गलती से भी गलत मशीन खरीद ली, 1 इंच ऊपर नीचे हो गया तुम्हारे मशीन के आउटपुट में, तुम्हें लगा यार ये नहीं वाली मशीन खरीदनी थी, ये तो गड़बड़ हो गई, तो भैया पैसा डूब गया वो, या तो प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा या नई मशीन दूसरी लेनी पड़ेगी। तो ये था सर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। और फिर आखिरी में हमने क्या पढ़ा सर? एक्सप्लेन द डिविडेंड डिसीजन। हिंदी बताओ डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है? बोलो रे मुन्ना हिंदी, बोलो हिंदी में कितना पैसा, कॉमिक में मत देख लेना, कितना पैसा खुद रखें आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर प्रॉफिट जो मेरे पास पैसा बचा है, आफ्टर प्रॉफिट कह रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद जो भी मेरे पास प्रॉफिट बचा है उसमें से कितना पैसा खुद रखें। खुद रखने को क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग, है ना, राइट। और कितना पैसा शेयर होल्डर को बांटें, शेयर होल्डर को बांटने को क्या बोलते हैं? डिविडेंड देना।
तो कितना पैसा खुद रखे, कितना पैसा डिविडेंड के तौर पर शेयरहोल्डर को बांटे, उसे बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन कभी ये नहीं होता कितना पैसा डिविडेंड के तौर पर शेयरहोल्डर को देना है, वो हमारे डिसीजन का बिल्कुल गलत जवाब। साथ में क्या इन्वॉल्व होता है, ये कितना पैसा बांटे तो ठीक है, कितना पैसा खुद रखें ये भी क्या होता है सर, डिविडेंड डिसीजन का ही हिस्सा होता है। कितना पैसा खुद रखूं ये भी डिविडेंड डिसीजन का हिस्सा होता है। अब तुम्हें बताना है डिविडेंड हाई बांटूं या कम बांटूं, डिविडेंड हाई बांटूं या लो बांटूं, है ना। तुम्हें इस बात का जवाब देना है एज अ कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर की तरह तुम्हें यह जवाब देना है। मुन्ना मुन्नी मैं लिख रहा हूं, भैया डिविडेंड हम बांटेंगे हाई या डिविडेंड हम बांटेंगे लो। पहला पहला भैया पहला, तुम्हारा तुम्हारी जो अर्निंग है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो ज्यादा है, पैट ज्यादा है तुम्हारा, पैट क्या करें, डिविडेंड हाई बांटे लो नहीं बांट सकते क्योंकि शेयर होल्डर चिपट जाएंगे तुम्हारे। जैसे रात को कोई भूत प्रेत चिपट जाए ना, कहाँ जा रहा है मैं भी चल रहा हूँ, है ना, ऐसे तुम्हारे शेयर होल्डर चिपट जाएंगे, ठीक है राइट। जब ये पैट जाते हैं तो कम डिविडेंड क्यों दे रहे हो, उन्होंने तो कहा था जब खाएंगे पेट भर के खाएंगे, तुमने वादा किया था। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आपकी जो स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस है वो बहुत अच्छा है। जैसे रिलायंस वाले कह रहे हैं अरे यार जिंदगी में कुछ भी हो जाए हमारे से हमारा 10,000 करोड़ तो कमाई लेंगे प्रॉफिट का। स्टेबल है आपका बिजनेस, आपको ग्रो करना है, बेस लाइन की चिंता नहीं है आपको। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त नहीं आने वाला कि तुम अपने एम्प्लॉय कह दो निकल जाओ, मैं मुझ पे ना हो पाएगा, मैं तुम्हें सैलरी ना दे पाऊंगा, तुम्हें पता हो जाएगा। स्टेबिलिटी बढ़िया तो क्या करें सर, बिल्कुल सही बात, स्टेबिलिटी बढ़िया तो पैसा है तुम्हारे पास। तीसरा, तीसरा है वादा मम्मी कसम, कौन सी कसम, तुमने शेयर होल्डर से पैसा मांगते मम्मी कसम खाली कि डिविडेंड क्या रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड प्रॉफिट से बांटा जाता है, इस साल का ना हो तो पिछले साल के प्रॉफिट से बांटेंगे, मम्मी कसम खाली डिविडेंड दूंगा, प्रॉफिट ना हो तो पिछले साल से दूंगा पर डिविडेंड दूंगा, मम्मी कसम खा रहा हूं, मम्मी कसम आई शपथ। डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, क्यों कसम खाई, नहीं 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 तुमने इक्विटी को कसम खाई है कि भैया तुम्हें हम डिविडेंड इतना तो जरूर देंगे, हाँ है ना, इस साल प्रॉफिट ना होगा तो पिछले साल के प्रॉफिट से दे देंगे, तो फिर तो जिम्मे प्रिफ्रेंस शेयर को पहले मिलेगा, हाँ प्रिफ्रेंस उनकी प्रिफ्रेंस है, इक्विटी से पहले मिलेगा। चौथा ग्रोथ, अगर तुम्हारे ग्रोथ के चांसेस हाई हैं, यानी तुम्हारी कंपनी में बहुत बड़ी ग्रोथ, नई ब्रांच नए प्रोडक्ट खुलेंगे तो क्या होगा भैया, गलत जवाब, चांटे लगा दूंगा। अगर ग्रोथ में पैसा देना है, नई फैक्ट्री में पैसा लगाना है, नए प्रोडक्ट में लगाना, तो शेयरहोल्डर को थोड़ी बांटूंगा फिर मैं, फिर अपने पास रखूंगा, रिटेन अर्निंग ज्यादा रखूंगा ताकि फ्यूचर में पैसा लगा सकूं, हाँ और क्या, शेयरहोल्डर को ये बना बना ग्रोथ होगी तो बढ़िया पैसे कमाएंगे, अगले साल ले लियो ज्यादा। पांचवा सर कैश फ्लो, कैश फ्लो आपकी कंपनी का बहुत अच्छा है, डिविडेंड कम या डिविडेंड ज्यादा, ज्यादा ठीक है ना, लो नहीं बांट सकते। छठा पॉइंट सर टैक्स, ये सोच के समझ के जवाब देना, वरना हफ्ते लगा दूंगा तुम्हारे में। अब टैक्स मान लो हमारे देश में, हमारे देश में टैक्स का स्ट्रक्चर हाई है, लो या ज्यादा, हाँ समझ गया ना बात, शुरू में लिखवाया था, अगर टैक्स ज्यादा तो टैक्स हाई तो, अबे प्रॉफिट लो, प्रॉफिट लो तो है कि नहीं बात। अगला पॉइंट स्टॉक मार्केट, कई बार स्टॉक मार्केट में गुड न्यूज फैलाने के लिए लोग बाग एक चाल का इस्तेमाल करते हैं, और वो चाल पता क्या है, ज्यादा डिविडेंड बांट देना। जैसे तुमने ज्यादा डिविडेंड बांटा तो लोगों को लगा ओ ज्यादा, ये तो बहुत पैसे देते हैं यार, यार मैंने बेकार में उस कंपनी में लगाया, बैंक में लगाया, अगली बार क्या करूंगा, इसकी कंपनी के शेयर खरीद लूंगा इस साल। तो भैया है ना, अगर आपको ऐसे गुड न्यूज फैलानी है मार्केट में, अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए हम बहुत डिविडेंड देते हैं, तो आपको डिविडेंड ज्यादा बांटना पड़ेगा ताकि लोग बाग आपकी अच्छाइयों को समझ जाए, ठीक है। इसके अलावा मैंने तुम्हें दो पॉइंट और लिखवाए थे एक्स्ट्रा, ये वाले सर, ए पुष्पा मुन्नी, ये वाले लीगल कॉन्स्टेंट, इन्हें इसे नोट कर लेंगे। लीगल कॉन्स्टेंट, लीगल कॉन्स्टेंट क्या होता है सर, कंपनी लॉ ने अगर कोई आपके ऊपर दायरा फिट कर दिया
तो आप डिविडेंड क्या करोगे सर? हाँ डिविडेंड फिर आप ज्यादा बांटोगे कम बांटोगे? हाँ डिविडेंड कम बांटोगे, क्योंकि कंपनी लॉ ने आपके ऊपर क्या कर रखा है, क्या कर रखा है मुन्नी, रेस्ट्रेन लगा रखा है, कॉन्स्ट्रेन लगा रखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेन। जिसका एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था बैंक, बैंक से जब तुमने लोन लिया तो बैंक ने बोला डिविडेंड ज्यादा नहीं दोगे वरना हम लोन ना देंगे। तुम कह रहे डिविडेंड क्यों नहीं ज्यादा दें, जब प्रॉफिट तो ज्यादा दें। भैया बैंक ने बोला अच्छा प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तुमने डिविडेंड ज्यादा बांट दिया, अगले साल प्रॉफिट ना हुआ, कह रहे हो ना आगे, कह रहे हो ना है कि नहीं बात, राइट? तो फिर क्या हो, तुम कहोगे फैक्ट्री बंद हो गई, प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ ठीक है, तो डिविडेंड तुम बांटने, डिविडेंड तो तुम पहली बांट चुके हो पिछले साल हाई, तो इस साल हमारा जो ब्याज होगा उसमें दिक्कत आएगी, फिर तो हमारे हाथ जोड़ेगा थोड़ा लोन माफ कर दो, लोन माफ कर दो। तो बैंक वाले कहे सुन ले, प्रॉफिट ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो डिविडेंड ज्यादा नहीं बांटना, अगले साल के लिए बचा के रख, अगले साल में कोई दिक्कत आए तो हमारा बैंक का ब्याज पहले चुकता होना चाहिए। तुमने हाँ कर दी, साइन कर दिए, भाई लोन दे दो कम बांटूंगा, तो फिर क्या होगा सर, फिर तो कम बांटना पड़ेगा डिविडेंड, ज्यादा बांट नहीं सकते, ये रही बात है ना, ये बातें हमने पहले ही लिखे थे है ना, राइट? कोड क्या लिखा था सर डिविडेंड डिसीजन का? कोड क्या था? स्टॉक मार्केट से, जल्दी बोलो सर, सीक्रेट कोड था स्टॉक मार्केट से शेयर होल्डर, शेयर होल्डर गेट्स कैश, ये हमारा कोड था, और यही कोड, यही सीक्रेट कोड चंदू के चाचा ने, चंदू की चाची को भी मैंने तुम्हें यहां लगा के दे रखा है, और यही सीक्रेट कोड मैंने तुम्हें कॉमिक्स में यहां लगा के दे रखा है, स्टॉक मार्केट से शेयर होल्डर गेट्स कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका है, आधा चैप्टर हमारा रिवाइज हो चुका है।